देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें जो आज आपको जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने बजट 2019 पेश कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं तक अपनी पहुंच पुख्ता करने के लिए मोदी सरकार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट के दौरान लगभग हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट भाषण में दावा किया कि 2022 तक देश की किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना की मदद मिलेगी। ये साल में 3 बार 2,000 की किस्तों में दी जाएगी। 5 लाख तक की कर योग्य आय पर टैक्स नहीं और किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने किसान, मध्यम वर्ग और कामगारों का पूरा ख्याल रखा। 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय टैक्स फ्री कर दी गई है। इससे ज्यादा की टैक्सेबल इनकम पर पहले की तरह स्लैब लागू रहेगा। छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए सीधे खाते में दिए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 3,000 की पेंशन स्कीम और 21,000 की कमाई वालों को 7,000 बोनस देने का ऐलान किया गया। बंगाल में आज मोदी और राजनाथ, राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां करेगी भाजपा। अपनी गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत भाजपा ने अगले 8 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 10 रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता भी शिरकत करेंगे। इनकी शुरुआत शनिवार को होगी। अब फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर लगने वाले TDS में मिलेगी भारी छूट। इससे बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों का ऑफिशियल वर्क कम हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2019 में कहा गया है कि बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले TDS की सीमा को पहले के 10,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। इंग्लैंड में हिटमैन रोहित शर्मा लगाएंगे दोहरा शतक। ये है वजह। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां और अंतिम मैच 3 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर रोहित शर्मा हैमिल्टन में मिली शर्मनाक हार को भूलना चाहेंगे, जबकि टीम इंडिया सीरीज में 4-1 की जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप से पहले विदेशी धरती पर अपना दम दिखाना चाहेगी। अमेरिका ने रूस से परमाणु संधि की सस्पेंड। यूरोप पर मंडराया खतरा। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु संधि को निलंबित कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध के बाद यह संधि हुई थी। यह फर्जी कॉल्स पर ट्रे का यह ऐप लगाएगा लगाम। ट्राई ने हाल ही में केबल और DTH ऑपरेटर्स को लेकर नए नियम लागू किए हैं। वहीं प्राधिकरण कॉल ड्रॉप और फर्जी कॉल्स को लेकर भी सख्ती दिखाता रहता है। इसी कड़ी में उसने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को फर्जी कॉल्स से आजादी दिलाएगा। CBSE ने जारी किए बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड। 15 फरवरी से एग्जाम शुरू। CBSE ने कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड और सेंटर मटेरियल आधिकारिक CBSE वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। CBSE संबद्ध स्कूल अपने संबंधित अकाउंट्स में लॉगिन कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने वाली हैं और कक्षा 10 की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परचम लहराने 2019 में भाजपा का जीतना जरूरी। गुरुग्राम में हुई रैली में जहां पीएम मोदी पर RJD नेता ने निशाना साधा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गजरवाला में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। शाह ने कहा कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा का परचम लहराने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में दोबारा सरकार बनना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।